आईपीएल के 12वें सीजन के पहले मैच में शनिवार को मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टार्स से भरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बुरी तरह से हरा दिया। वही इस हार की क्रिकेट के फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है। दरअसल सीएसके के कप्तान धोनी टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन हैं। वही आरसीबी के कैप्टन कोहली मौजूदा भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। मैच के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि धोनी के अनुभव के सामने कोहली का जोश कमजोर साबित हुआ। वही दिलचस्प बात यह है कि इस हारे हुए मैच में कोहली को नवदीप सैनी जैसा एक नगीना बॉलर मिला है। इस पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि कोई भी टीम इस तरह की शुरुआत नहीं चाहेगी। कोहली ने मैच के बाद कहा, लेकिन खेल में इस तरह का होना अच्छी बात है। मैदान पर खिलाड़ियों के रवैये से मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि हमारी बल्लेबाजी सही नहीं थी और हम वापसी करेंगे। शनिवार को आरसीबी भले ही मैच हार गई हो, लेकिन कप्तान कोहली तेज गेंदबाज नवदीप सैनी से काफी इम्प्रेस है। उन्हें उम्मीद है कि नवदीप सैनी आगे के मैचों में आरसीबी के लिए कमाल कर सकते हैं। कोहली ने टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को लेकर कहा, वह 150 किलोमीटर की रफ्तार के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। वह एक घातक गेंदबाज बनने की ओर अग्रसर है और हम उन पर नजर रख रहे हैं। बता दे, सैनी ने 4 ओवर में 24 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे punjabkesari.com पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।